हे गाइस वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो भाई लास्ट वाले व्लॉग्स में इतना प्यार दिखा रहे हो ना भाई, मजा आ गया। और भाई आपके लिए एक स्पेशल व्लॉग कल ही लाइव किया है मोजो की मोटिवेशन के ऊपर, भाई वो जाके जरूर देखो। ऐसी बॉडी किट मेरे ख्याल से आपने अभी तक तो कहीं नहीं देखी होगी, देखी भी होगी तो शायद ऑनलाइन फोटोज वगैरह में देखी होगी, बट भाई मैंने भी वो लिटरली सामने पहली बार देखी थी। तो भाई इस व्लॉग में आपके लिए जो हमने प्रॉमिस किया था थोड़ा सा लेट हो गया यार, क्योंकि टेस्ट ड्राइव के लिए हमें मिल ही नहीं रही थी। तो आज हम फिर से आ चुके हैं रॉयल एनफील्ड। तो रॉयल एनफील्ड यार मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी डिटेल्स ऑलरेडी दे रखी हैं आपको। रजत भाई का नंबर आपके पास है ही, आपको कुछ भी टेस्ट ड्राइव लेनी है, बाइक लेनी है, आप बेफिक्र होकर उनको कॉल कर सकते हो। तो भाई अपनी बाइक दिखा दे जो हम टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जाने वाले हैं अभी। तो बाइक ये खड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जो जाने वाले हैं, और बगल में देख रहे हो अपनी कार्नेज खड़ी है। और भाई देख रहे हो ये उस दिन स्टिकरिंग कराई थी, ये दिखाना मैं आपको भूल गया था। तो भाई ये रही अपनी 650। तो भाई इसको चला के दिखाएंगे अभी, आपको राइड रिव्यू देंगे पूरा कि कैसी है, क्योंकि भाई मैंने अभी तक नहीं चलाई है। बैठने में तो बड़ी कंफर्टेबल लग रही थी कि भाई बहुत कंफर्टेबल है, चलाने के बाद पता चलेगा। थोड़ी सी चलाएंगे आपको 0 to 100 भी करके दिखाएंगे, टेंशन नहीं है, 0 to 100 भी करेंगे, देखेंगे पावर कैसी है। मेरे को लग रहा है थोड़ी सी पावर हो सकता है कम हो, क्योंकि क्रूज़र है, हल हो सकता है ये 650 आपकी GT और इंटरसेप्टर से थोड़ी सी पावर कम हो। तो भाई फटाफट से यार बाइक पे मिलते हैं, अब आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, बाइक पे चलते हैं, दिखाते हैं आपको बाइक पे, सीधा मिलता हूँ आपको बाइक पे। तो भाई गेयर वेयर पहन लिया फटाफट से, और बाइक की चाबी हमारे पास ये रही, फटाफट से करते हैं बाइक को स्टार्ट और आपको आवाज़ सुनाते हैं थोड़ी सी। तो भाई फटाफट से चलते हो, आपको फटाफट से राइड रिव्यू देंगे बढ़िया से। भाई साहब ऐसा लग रहा है मैं बहुत बड़ी बाइक चला रहा हूँ, हार्ले वार्ले। भाई साहब क्या पावर है इस बाइक में, भाई ये 0 to 100 बहुत जल्दी जाने वाली है। मेरे को लगा मैं तो इतनी सी जगह में 0 to 100 कर दूंगा भाई, बट जो बाइक में पावर है ना बहुत अच्छी पावर है भाई। पोजीशन इतनी अच्छी है ना, देखो पैर की पोजीशन देख लो भाई, एकदम परफेक्ट है, कंफर्टेबल है बिल्कुल। और भाई सबसे अच्छी मेरे को जो पोजीशन लग रही है इसके हैंडल्स की लग रही है, हाथ एकदम बिल्कुल सीधे है। और भाई पावर तो अभी आपको मैंने झलक दिखलाई थी, पावर कितनी है इसके अंदर। तो भाई देखो इसकी आवाज़ कितनी खतरनाक है, देख रहे हो, देख रहे हो आवाज, इसको कहते हैं आवाज। एक कबूतर नहीं छोड़ा मैंने भाई, सॉरी उनको डिस्टर्ब करने दे, तो आपको आवाज़ सुनानी थी भाई कितनी खतरनाक आवाज़ है। बट भाई जो तो कंफर्टेबल है ना, हाथ देख रहे हो एकदम बिल्कुल, हैंडल इतना मस्त है, एकदम स्ट्रेट ऐसे इसके हाथ आ रहे हो। भाई पैर की पोजीशन मैंने दिखाई थी, पैर की पोजीशन भी बढ़िया मस्त है। और अभी थोड़ी सी अच्छी लोकेशन पर रुकते हैं, आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल्स देता हूँ मैं क्या है। तो भाई शोरूम से बाहर आ चुके हैं, बाइक लेके आ गए हम यहाँ पे। तो भाई अब थोड़ी सी चला भी ली है, तो अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्या आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देते हैं इस बाइक के बारे में। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर कितने मॉडल आते हैं। तो इसके अंदर आते हैं आपके 3 मॉडल, एस्ट्रल, इंटरस्टेलर और सेलेस्टियल। तो ये 3 मॉडल आते हैं, और इन तीनों मॉडल के अंदर आपको 2-2 कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, और तीनों मॉडल के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। तो मैं आपको फ़ोटो लगा के दिखा दूंगा, क्योंकि भाई हमें जो टेस्ट ड्राइव के लिए मिली है ये है इंटरस्टेलर, ठीक है। तो आपको ये मॉडल तो मैं अच्छे से दिखा दूंगा, बाकी की मैं फ़ोटोज़ डाल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मॉडल कौन सा है, ठीक है। तो भाई और इसके बाद बात कर लेते हैं भाई बाइक के वेट के बारे में। तो भाई जो मैंने मतलब मैंने तो काफ़ी बाइक्स चलाई हुई हैं अभी, तो मेरे को वेट इतना फील नहीं हुआ, जो कि इसके अंदर वेट है आपका 241 kg का, ठीक है। तो मेरे को इतना कुछ फील नहीं हुआ बाइक के अंदर, क्योंकि और अगर आप शिफ्ट करते हो कोई नॉर्मल बाइक से तो हो सकता है आपको वेट फील हो थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद यार मेरे को जो थोड़ी सी बाइक में कमी लगी वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हो भाई, मेरे को भी कम लगी इस हिसाब से, क्योंकि भाई क्रूज़र बाइक है, और भाई इसको जो पहाड़ों में चलाने का मज़ा तो वहाँ पर ही है।
तो भाई वहाँ पे यार इसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ और दिखाऊँ, देखो इसका ऑयल फिल्टर भी यहीं पर है, तो इसको आपको नीचे से बचाने के लिए आपको इसमें सम गार्ड लगवाना पड़ेगा, वो कि बहुत मस्त है, क्योंकि भाई ग्राउंड क्लियरेंस बाइक की बहुत कम है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है 135 mm की, ठीक है। और बात कर लेते हैं चलो इसके इंजन की, तो इसका इंजन है आपका 650cc का, जो कि प्रोड्यूस करता है 47 PSI और पावर और 52 Nm का टॉर्क। तो भाई ये तो बात हो गई, भाई इसकी पावर की, कितनी पावर जनरेट करती है, क्या करती है। एक चीज़ और मैं आपको मेन बताना चाहूँगा, अगर आप कभी बाई चांस इन फ्यूचर इस बाइक को लेते हो और पिलियन है आपके साथ, तो पिलियन में आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि भाई बाइक में पावर बहुत अच्छी है, जब आप एकदम इसको पुश करोगे तो भाई आपको एक झटका लगता है, जो कि पीछे वाले के लिए कोई सपोर्ट नहीं है इसमें, इस वाले मॉडल में। तो आपको इसमें बैकरेस्ट लगवाना मस्ट है, क्योंकि अगर आप पिलियन बैठाते हो तो, अगर आप सिंगल चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई पिलियन ने नहीं पकड़ा होगा, ग्रिप नहीं करी होगी, झटका लगने के बाद वो गिर भी सकते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लगी मेरे को इसमें। बाकी इसकी बात कर लेते हैं भाई ब्रेकिंग की, ब्रेकिंग मैंने टेस्ट करी, थोड़ी और करेंगे कैमरा में, तो भाई ब्रेकिंग की बात कर लो, तो ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो गई है बाइक की, इस वजह से इन्होंने जो ये डिस्प्ले का साइज़ है ये बढ़ा दिया है, ये कर दिया है 320 mm का, जो कि भाई अभी तक किसी रॉयल एनफील्ड में नहीं है, ये साइज़ बढ़ा दिया है। और बात कर ले पीछे वाली डिस्प्ले का, तो जो पीछे वाले डिस्प्ले है उसका भी साइज़ इन्होंने बढ़ा दिया है, जो कि है 300 mm का। और भाई बाइक के लुक्स तो भाई कातिल ही है, और इसकी सिटिंग पोजीशन भी बहुत बढ़िया है, जो कि आपको मैंने बता ही दी, भाई मेरे को तो मज़ा आ गया चला के, ठीक है। और थोड़ी सी साउंड सुना देता हूँ बाइक की आपको, ये जो आपका बिल्कुल स्टार्ट करते ही जैसी आवाज़ आती है, उसके बाद अगर आप टोटल देते हो तो भाई एक चीज़ बताऊँ, अगर ये 18 से 22 साल के लौंडों के पास आ गई ना भाई, मैं 110% कह सकता हूँ वो इसमें एग्जॉस्ट चेंज जरूर करेंगे, ड्यूल एग्जॉस्ट है, और भाई जो इसमें आवाज़ आएगी ना एग्जॉस्ट चेंज होने के बाद, तबाही मचा देगी, हार्ले से कम नहीं लगेगी। और भाई फील बिल्कुल हार्ले वाली आ रही है, मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा भाई कि मैं रॉयल एनफील्ड की बाइक चला रहा हूँ, कोई मेरे को बिल्कुल फील नहीं हो रहा भाई, सच्ची बताऊँ तो मैंने अभी जब चलाई मैं बैठा ना, मेरे को बिल्कुल नहीं लगा कि मैं रॉयल एनफील्ड की बाइक चला रहा हूँ, बिल्कुल जो सिटिंग पोस्चर है वो हार्ले की तरह है, मज़ा आ गया। बाकी अब भाई बाइक पर चलते हैं, आपको 0 to 100 करके दिखाएंगे, ब्रेकिंग करके दिखाएंगे, और भी चीज़ें बता देते हैं भाई, बैठ के दिखाते हैं आपको क्या स्विच वगैरह में आपको कोई वो चीज़ें मिल जाती हैं, फटाफट चलते हैं बाइक पर। तो भाई बाइक के मैंने इधर राउंड काट लिए, शोरूम से निकले इतना टाइम हो गया भाई, बट बाइक इतनी कंफर्टेबल है ना, इतना मज़ा आ रहा है ना इसको चलाने में। तो थोड़ी सी डिटेल्स आपको दे देता हूँ, तो आपको इधर मिल जाता है इसका आपको पासिंग स्विच, इधर हाई बीम, और यहाँ पे है ये इंडिकेटर्स का राइट लेफ्ट, और इधर है आपका ये हॉर्न हो गया, और राइट साइड देख ले तो भाई ये इंजन किल स्विच है यहाँ पर, और यहाँ पे ये हजार्ड सिस्टम है, यहाँ पे इसको ऐसे करोगे तो हजार्ड ऑन हो जाएंगे। बाकी भाई हैंडल की पोजीशन देख ही रहो भाई, मेरे हाथ एकदम स्ट्रेट और इतने मस्त भाई पोजीशन है, और मीटर आपको पता ही है, मीटर बिल्कुल सेम है जैसे कि मीटियोर में आता है अभी, और ये आपका नेविगेशन हो गया, जो कि आप अलग से एसेसरीज की तरह लगवा सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगा। अगर आप गूगल मैप लगाते हो तो आपको फ़ोन लगाने, यहाँ माउंट लगाने की जरूरत नहीं है, सबसे बेस्ट चीज़ ये है, क्योंकि भाई माउंट लगाने पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, कई बार फ़ोन गिर जाता है, माउंट का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि यार। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई, और इसके अंदर आपका गूगल मैप चल जाता है, आपके फ़ोन से कनेक्ट हो गए, आप इसकी ऐप से इसको कनेक्ट करके और आराम से अपना गूगल मैप इसमें देख सकते हो। और बाकी भाई बाइक की पावर की बात कर लूँ तो भाई पावर बहुत अच्छी है बाइक में, और सबसे मस्त चीज़ बताऊँ भाई पावर के साथ साथ इंजन बहुत रिफाइन है, इंजन 650 भाई आपने GT चलाई होगी, आपने इंटरसेप्टर चलाई होगी, बट भाई उससे लाख गुना अच्छा इसका इंजन रिफाइन है, क्योंकि भाई इसमें अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको पता ही है रॉयल एनफील्ड में वाइब्रेशन फील होती है, भाई इसके अंदर बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। और अगर मैं इसको भगाता भी हूँ, जैसे कि अभी देखो बाइक 80 की स्पीड में, मेरे को बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रही। और बात कर लूँ इसके सस्पेंशन की, भाई सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है, तो यार कहीं खाली रोड मिले तो भाई मेरा मन है इस पर 0 to 100 टेस्ट करने का, 0 to 100 टेस्ट करके आपको भी दिखाऊंगा मैं कि 0 to 100 में भाई कितनी देर में पहुँचती है, वो तो फिर आपको
वो भाई देख रहे हो पुलिस की गाड़ी चला रहे हो और फोन चला रहे हो, उधर ध्यान ही नहीं है उनका रोड पे भाई। ये चीज़ बहुत रिस्की हो जाती है। तो भाई थोड़ी सी खाली जगह देखते हैं, आई थिंक यहाँ से खाली है थोड़ा, यहाँ पे देखते हैं। चलो 3, 2, 1 भाई 100 टच हो गई, बट ये गाड़ी नहीं आती तो हो जाती और आसानी से। 3, 2, 1 भाई पावर खतरनाक है। तो भाई देखेंगे उधर कितने सेकंड्स में पहुंची, वो मैं डाल दूंगा कितने सेकंड्स में पहुंची है 0 to 100। और पावर तो है ही अच्छी, दिल्ली में घूम रहे और ट्रैफिक ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो भाई दिल्ली में घूमते घूमते अब हमें ट्रैफिक मिल गया और भाई एक चीज़ का आपको इसमें मस्त ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अभी हमारी आदत क्या, हम यहाँ से शॉर्टकट्स मार लेते हैं बिल्कुल ऊपर चढ़ा चढ़ा के, आप इसमें ये चीज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि भाई इसकी मैंने जैसे आपको भी बता देता हूँ, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। 135 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि भाई बहुत कम है। और अगर आप ज़्यादा ट्राई करोगे कहीं से निकालने की, हो सकता है आपकी भाई नीचे टच हो जाए डायरेक्ट, और भाई इतनी नीचे तो भैया अगर कुछ ज़्यादा तेज़ लग गया तो हो सकता है भाई आपका कुछ नीचे से डैमेज भी हो जाए। तो भाई ये रिस्क ना लो, और अगर रिस्क लेना है तो भाई उसके लिए थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वो है इसका सम गार्ड। तो भाई आपको सम गार्ड में पैसा खर्च करना पड़ेगा, सम गार्ड लगवाना पड़ेगा, तो आपकी बाइक थोड़ी सी नीचे से प्रोटेक्टेड रहेगी। फिर भी भाई मैं कहूँगा इसको तो भाई आप ना ही चढ़ाओ तो बढ़िया है। और बाकी यार एक बार इस जाम से निकलते हैं फटाफट से भाई। अब थोड़ा सा बाइक को बढ़ा के देखते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं थोड़ा सा ट्रैफिक में भाई। ब्रेकिंग आपको दिखाऊं, ब्रेकिंग ये देखो भाई एकदम खड़ी हो जानी है भाई। ब्रेकिंग के भाई ब्रेकिंग इतनी मस्त है, ब्रेकिंग के बारे में तो भूल जाओ क्योंकि भाई ब्रेकिंग में इस बार काम किया गया है, तो ब्रेकिंग से तो आप बेफिक्र हो जाओ। और थोड़ी सी आपको दिखाते हैं यहाँ पे जिगजैग करके कि आप भाई साहब भाई ट्रैफिक में लग ही नहीं रहा कोई, मैं इतनी हैवी बाइक चला रहा हूँ भाई, इतनी प्यारी बैलेंसिंग है बाइक की, बैलेंस इतना तगड़ा है बाइक का। भाई बहुत प्यारी बाइक है भाई सच्ची में भाई, रॉयल एनफील्ड को इस बाइक के लिए तो भाई हैंड्स ऑफ है भाई, बहुत प्यारी बाइक बनाई है। और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, अंडर बजट है, 417 के अंदर आपको ये ऑन रोड पड़ जाती है भाई। तो भाई अंडर बजट भी हो गई भाई, इतनी प्यारी बाइक भी हो गई, क्रूज़र हो गई, तो भाई बहुत ही सोच समझ के और सब कुछ मतलब A to Z चीज़ें इसमें अच्छी हैं भाई। भाई फटाफट अब ले चलते हैं इसको वापस क्योंकि भाई बहुत देर हो गई हमें निकले हुए, फटाफट फिर शोरूम पर चल के आपको बताते फिर क्या आपको बिल्कुल शोरूम पर चल के बताते भाई लास्ट टू लास्ट एक्सपीरियंस अपना कैसा रहा। तो भाई वापस आ चुका है शोरूम भाई, बाइक खड़ी कर दी है। ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा भाई, बाइक बहुत अच्छी है, 4,16,000 के अंदर भाई इससे प्यारी 650cc में बाइक नहीं मिलेगी अगर किसी को क्रूज़र चाहिए तो। भाई एक एक चीज़ की बात करूँ तो भाई हैंडल बाइक में कोई वाइब्रेशन नहीं भाई, स्टार्ट करते ही भाई वाइब्रेशन नहीं है, और अगर आप 80-90 की स्पीड में भी चलाते हो तो भी वाइब्रेशन नहीं है बाइक के अंदर। पिकअप इतना बढ़िया है बाइक का भाई, पावर बहुत अच्छी है बाइक में और कंफर्ट लेवल भाई भर भर के। तो भाई मुझे तो मज़ा आ गया, आप लोग बताना कि बाइक वर्थ इट है या नहीं है 4,16,000 के अंदर, और आपको क्या चीज़ इस बाइक में ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सा कलर आपका फेवरेट है वो ज़रूर बताना मेरे को, ठीक है।
तो भाई इस व्लॉग में इतना ही भाई, थक चुका हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, एक तो जैकेट भी पहनी हुई थी इससे भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, पूछो मत। और भैया यहाँ पर बाइक निकाल रहे हैं, मैं साइड हो जाता थोड़ा। तो भाई मज़ा आ गया, रजत भाई का नंबर है ही। टेस्ट ड्राइव लेनी है, टेस्ट ड्राइव के लिए बाइक अवेलेबल है, आप फ़ोन करके भी आ सकते हो, डायरेक्टली भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट ड्राइव आपको मिल जाएगी। तो भाई इस व्लॉग में इतना ही, आप बताना आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा, बाइक के बारे में क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी। फिर भाई मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया व्लॉग में, बाय बाय। तो भाई फटाफट से बैठते हैं बाइक पे। भाई इतना ह्यूज सा फील आ रहा है ना, बिल्कुल मतलब ठंड वाली फील आ रही है। और ये मेरे से उतर नहीं रही, पता नहीं क्यों, थोड़ी सी भारी तो लगी।